हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे पास आपको शेयर करने के लिए एक इनक्रेडिबल स्टोरी है। ये एक ऐसी महिला के बारे में है जिसने जीपीएस को फॉलो करते हुए अपनी कार को हवाई में समुद्र में कुदा दिया। हाँ, आपने एकदम सही सुना, उसने सचमुच अपनी कार समुद्र में चला दी। ये कैसे हुआ? खैर, लेट मी टेल यू। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आई नीड योर फेवर, प्लीज हिट द लाइक बटन। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है और मुझे आपके लिए और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या आपका कभी जीपीएस के साथ कोई बुरा अनुभव रहा है। मुझे आपकी स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। ओके, कहानी पर आते हैं। ये घटना शनिवार को हवाई के पश्चिमी तट के एक क्षेत्र कैलुआ कोना में होनोकुहाउ हार्बर में हुई। महिला एक पर्यटक थी जो मंटा रे यात्रा पर जा रही थी। वो अपने फोन पर जीपीएस फॉलो कर रही थी, लेकिन जाहिर तौर पर वो गलत थी, बहुत गलत। जीपीएस ने उसे उसके डेस्टिनेशन पर ले जाने के बजाय एक अच्छी स्पीड से सीधे बंदरगाह में ड्राइव करने का रास्ता दिखाया। उसे अपनी गलती का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। वो और एक अन्य महिला जो उसके साथ थी अभी भी मुस्कुरा रही थी और अपनी कार में आराम से बैठी हुई थी, जबकि विंडशील्ड वाइपर अभी भी चल रहे थे। क्या आप ये सोच सकते हैं, यदि आप उनकी स्थिति में होते तो आपको कैसा लगता? क्या आप घबराएंगे? क्या आप चिल्लाएंगे? क्या आप रोएंगे? या आप हंसेंगे? मुझे पता है मैं क्या करूँ। मैं खुद को थप्पड़ मारता और चेक करता कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ये तो किसी कॉमेडी फिल्म की तरह लगता है या हो सकता है एक डरावनी फिल्म। आपके ओपिनियन के आधार पर, सौभाग्य से कुछ गवाह थे जिन्होंने देखा कि क्या हुआ और उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद गए। उन्होंने उन्हें खिड़कियों से और सूखी जमीन पर कार से बाहर निकलने में मदद की। हालांकि कार पानी में डूब गई और बाद में एक दो ट्रक द्वारा खींचकर बाहर निकाली गई। इस घटना के एक चश्मदीद गवाह ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आप उसे यहाँ देख सकते हैं। क्या वो पागल नहीं है? मेरा मतलब, आप कैसे नोटिस नहीं कर सकते कि आप पानी में गाड़ी चला रहे हैं? आप अपने जीपीएस पर आंख बंद करके कैसे भरोसा कर सकते हैं? जब आपकी कार पानी से भर रही हो तो आप इतने शांत और मुस्कुराते हुए कैसे हो सकते हैं? शायद वो किसी चीज में खोए हुए थे, शायद वो कोई शरारत कर रहे थे, शायद वे वास्तव में स्टूपिड थे, या शायद वे तैरने के लिए जाना चाहते थे। ये कहानी मजेदार ही नहीं, डरावनी भी है। इससे पता चलता है कि हम तकनीक पर कितने निर्भर हो चुके हैं और ये कितनी आसानी से हमें फेल कर सकती है। ये स्टोरी ये भी दर्शाती है कि अपने परिवेश पर ध्यान देना और वाहन चलाते समय सामान्य ज्ञान का उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। जीपीएस एक बेहतरीन टूल है जो अनजान जगहों पर नेविगेट करने में हमारी मदद कर सकता है, लेकिन ये एकदम परफेक्ट नहीं है। ये गलतियाँ कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है, या सिग्नल लॉस्ट हो सकता है। ये पुराना, गलत या हैक किया हुआ भी हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा निर्देशों का पालन करने से पहले उनकी दोबारा जांच करनी चाहिए और रास्ते में संकेतों और लैंडमार्क्स की तलाश करनी चाहिए। हमें पानी में गाड़ी चलाने के संभावित खतरों के बारे में भी पता होना चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आपकी कार पानी में समा जाए तो आपको जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मदद के लिए प्रतीक्षा ना करें या किसी हेल्पलाइन पर कॉल करने का प्रयास ना करें। दरवाजे या खिड़कियां खोलने की कोशिश में समय बर्बाद ना करें। खिड़की को तोड़ने और इसके माध्यम से बचने के लिए एक खिड़की तोड़ने वाले या किसी स्ट्रॉन्ग चीज का इस्तेमाल करें। यदि आपके साथ और लोग हैं तो उन्हें भी बाहर निकलने में मदद करें। अगर आप जल्दी से एक्शन नहीं लेते हैं तो पानी में गाड़ी चलाना घातक हो सकता है। एक अध्ययन के मुताबिक, डूबने से होने वाली मृत्यु विश्व में अनजाने में होने वाली चोट की तीसरी सबसे बड़ी वजह है, जिससे हर साल लगभग 2,36,000 लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए अगली बार जब आप जीपीएस को फॉलो करें तो सावधान और सतर्क रहें। इसे अपने माइंड और आंखों पर हावी ना होने दें। और जब तक आप किसी चटके में ना, तब तक पानी में ड्राइव ना करें। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपने इसे कुछ सीखा है तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। और इस तरह की और रोचक और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।